मैं प्रिया आपके साथ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी बस्तर पहुंचकर सबसे पहले मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद वे सभा स्थल पर पहुंची। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मेरे परिवार का बस्तर से विशेष लगाव रहा है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन मैं बचपन से बस्तर के बारे में, यहाँ के लोगों के संघर्ष के बारे में सुनती आई हूँ। प्रियंका ने अपने संबोधन की शुरुआत हल्बी में लोगों का अभिवादन करते हुए करी। उन्होंने कहा कि आज बस्तर एक ब्रांड बन गया है, देश में ही नहीं विदेश में भी यहाँ के उत्पादों का उपयोग हो रहा है। मेरी दादी कहती थी कि सबसे अच्छी संस्कृति आदिवासी होती है, क्योंकि आप लोग बिना प्रकृति को नुकसान किए जीवन यापन करते हैं। बस्तर की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है। जब ये महिलाएं कमाती है तो हमारे में आत्मविश्वास आता है कि हम भी परिवार के लिए कुछ कमा कर लाई हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने बस्तर के लोगों को सरकार पर निर्भर बनाया, कांग्रेस सरकार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। कांग्रेस की सरकार ने 65 वनोपज के लिए MSP दे रही है, 5,00,000 लोगों को वन अधिकार पट्टे दिए, धान की सबसे ज्यादा MSP 2,660 रुपए यहाँ मिल रही है। जब भाजपा की सरकार थी तो सिर्फ शोषण था, गौ माता सड़कों पर घूमती थी। सरकार आई तो खेतों को चरने वाली गौ माताओं के लिए गोठान बनाई। अब ये मॉडल पूरे विश्व में चर्चित है। मैं यूपी में बताती हूँ कि देखिए छत्तीसगढ़ में इसकी कितनी अच्छी योजना बनाई। भाजपा भ्रष्टाचार आपने 15 साल भुगता है। आपके सामने दो मिसालें, एक पिछली सरकार की है जिसने आपको सिर्फ लूटा है, और दूसरी सरकार आपको सब दे रही है। अब आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। बघेल जी कभी नकारात्मक बातें नहीं करते। जब भी यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुझसे मिलते हैं, कभी भी किसी की चुगली नकारात्मक बात नहीं करते। लोगों के कुछ करने, बेहतर करने का निश्चय जितना बघेल जी में देखती हूँ, उतना किसी में नहीं देखता। बस्तर क्षेत्र का गांधी नेहरू परिवार से गहरा लगाव रहा है। जब भी यहाँ हमारी सरकार रही है, यहाँ खूब तरक्की हो रही है। प्रियंका से मिलकर लोगों की खुशी साफ झलक रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।